आपको पता है छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं मेरे पास और माएँ लेकर आती हैं, और क्या है कि बच्चा अपने आप को पसंद नहीं करता, बच्चा कहता है कि आई डोंट लाइक माई सेल्फ। छोटे छोटे बच्चे आकर कह रहे होते हैं कि मेरी सेल्फ इस्टीम अच्छी नहीं है, तो क्योंकि हमने उनको अपने बारे में अच्छी फीलिंग नहीं दी। इसी तरह से उनके अंदर कोई सेल्फ एक्सप्रेशन नहीं है कि वो अपनी बात को किसी अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकें। बच्चे बेसिकली कर तो वो ये रहे हैं ना कि जो रवैये हम दे रहे हैं वो उन्हीं को आगे प्रोपोगेट कर रहे होते हैं, और ट्रेजेडी इतनी है कि हमें अपने रवैये नज़र ही नहीं आते, हमें सिर्फ ये नज़र आता है कि बच्चा ये कर रहा है और बच्चा पता नहीं क्यों कर रहा है। लेकिन अगर हम किसी शीशे में देखें तो हम बड़ी आसानी से ये कनेक्शन बना सकेंगे कि ये कहाँ से ये रवैया जो है वो आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने बच्चे को वर्दी फील करवाना है और उसको एम्पावर करना है, तो हम सबको अपनी सिचुएशन को पहले देखना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा कि अपने आप को एम्पावरमेंट की तरफ लेकर जाना होगा, अपने आप से इन टच होना पड़ेगा। हम अपने आप से बहुत डिसकनेक्टेड हैं, अपने आप के बारे में बड़े हम उदास हैं, अंदर से खाली खाली हैं, बोर्ड हैं, हमें अपने बारे में कुछ पता ही नहीं है। हमारे अपने अंदर इतनी इनएडिक्वेसी है, मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी खैर है, मेरा बच्चा सीख ले। लेकिन आपका बच्चा नहीं सीख पाएगा जब तक आप खुद नहीं सीखेंगे, आप अपने आप को बेहतर नहीं बनाएंगे। क्योंकि ये जैसे कहते हैं ना, साइकिल ऐसे चलता है, हम खुद डिस्टॉर्टेड हैं तो आगे जाकर वो बच्चा जो है वो इससे ज़्यादा डिस्टॉर्शन पे जाता है। तो अपने आप से बड़ा सवाल ये पूछा करें कि क्या मुझे मेरी ज़ात नज़र आती है? क्या जब मैं बहुत से लोगों के दरमियान बैठी होती हूँ तो उसके मुताबिक मैं कोई सही फैसले करती हूँ? क्या मैं अंडरस्टैंड करती हूँ कि मुख्तलिफ सिनेरियोस किस तरह से चल रहे हैं, या ये कि मेरे घर के डायनामिक्स क्या हैं, मुझ पर कौन कौन से कल्चरल प्रेशर्स हैं, उनमें से किन बातों को मैंने एक्सेप्टेंस देनी है, किन बातों को मैंने किसी न किसी तरह से हिकमत के साथ मैनेज करना है? अगर मैं ये सब कुछ नहीं करूँगी तो क्या होगा? बच्चा तो नहीं संभल पाएगा ना, बच्चा उन्हीं प्रेशर्स में रहेगा, और एक जनरेशन से अगली जनरेशन आएगी और हम यही कहानियाँ सुनाएंगे कि हमारे अम्मा अब्बा ने ये किया इसलिए हम भी ये करते हैं, और वो जस्टिफाइड है। अभी रिसेंटली मुझसे कोई शेयर कर रहा था कि जी एक मदर हैं, वो क्या करती हैं, हालांकि उन्होंने बहुत से पेरेंटिंग सेशंस और कोर्सेज किए हुए, लेकिन अगर उनका बच्चा उनकी बात ना सुने खाने पीने के मामले में या और किसी मामले में, तो वो उसकी पिटाई कर देती है, आराम से उसको एक थप्पड़ लगा देती है। तो जो बता रही थी, उन्होंने कहा उनको कि जब मैंने उनसे कहा कि ये तरीका दुरुस्त नहीं है, तो उन्होंने बहुत आराम से कहा कि कोई बात नहीं, हमें भी मारे पड़ती थी, बल्कि हमें तो उससे ज़्यादा पड़ती थी, तो हम भी तो ठीक हैं, तो कोई बात नहीं, अगर बच्चे को मार पड़ गई तो ऐसी कौन सी बात है। तो अब देखिए, ये जो प्रेशर्स हैं ये वही है ना कि हमें बचपन में अगर एक रवैया मिला और हम बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज होके लो सेल्फ इस्टीम के साथ आगे बढ़ते रहे, तो अब हम बच्चे के साथ भी वही कुछ करना शुरू कर दें। तो हमारे अंदर बैलेंस नहीं होता जब हम कल्चरल प्रेशर में होते हैं, या हम बिल्कुल उस प्रेशर के गुलाम बन जाते हैं और अपने बच्चे की पर्सनैलिटी को क्रश कर लेते हैं क्योंकि हम अपनी पर्सनैलिटी को भी क्रश कर रहे होते हैं, या हम दूसरी डायरेक्शन में चले जाते हैं, और वो क्या है, हम रिबेल करते हैं, हम एक जंगी माहौल सा बनाते हैं कि किसकी हिम्मत ना हो कि मेरे बच्चे को कुछ कहे। लेकिन वहाँ पर भी हम प्रिंसिपल्ड फैसले नहीं करते, कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं करते, पेरेंटिंग उसूलों के मुताबिक नहीं करते, हम बागी पने में बच्चों को फिर वो काम करने की इजाज़त दे देते हैं जिससे फिर खराबी आती है, फिर हम खुद ही कन्फ्यूज़ बैठ जाते हैं, हम कहते हैं मुझे समझ नहीं आई, मे बी फिर वो सिस्टम बेहतर था जिसमें बहुत सख्ती होती थी और बिल्कुल इजाज़त नहीं थी माँ बाप को अपनी मर्ज़ी से फैसला करने के, जो घर के बुज़ुर्ग थे सिर्फ वही फैसले करते थे। तो इसका मतलब है कि फिर वही तरीका दुरुस्त होगा, आगे चल के फिर यही काम करना होगा। तो यहाँ से बात हमें क्या समझ आ रही है कि प्रेशर्स जब आपके ऊपर आते हैं तो पहले तो ये कि आपने बहुत आराम से हिकमत के साथ बैठना है और देखना है कि क्या ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक दुरुस्त बात है, क्या ये मेरे बच्चे की पर्सनैलिटी को बिल्ड करेगी, तो फिर इसकी हिकमत क्या होगी, इस पूरे फॉर्मूले को इस्तेमाल करने की लगाने के क्या तरीके होंगे, और मैं उसके मुताबिक फिर अपना डे बाय डे काम शुरू कर दूं। अच्छा, लेकिन अगर मैंने मुझे ये लगता है कि नहीं, ये जो बात है ये बात ही दुरुस्त नहीं है, प्रिंसिपली बात दुरुस्त नहीं है, तो फिर मैंने वहाँ पर बहुत हिकमत के साथ ही एक ऐसी दीवार बनानी है जिसमें ठीक है मेरे ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आएगा, लेकिन एज अ पेरेंट मैं अपने आप को इक्विप करूँ कि मैं उस प्रेशर से डील कर सकूँ, मैं अपने बच्चे को इस प्रेशर से बचा कर
उसकी वो तरबियत करूं जो असूली तौर पे दुरुस्त हो। और इसी तरह तीसरी सिचुएशन है, कोई भी काम है उसमें मिक्सचर है, कुछ बातें दुरुस्त हैं कुछ बातें ठीक नहीं हैं, तो मैं फिर उनको कैसे छांटी करूं और किस तरह से अपने घर के जो बाकी अफराद हैं जिसमें हमारे बुज़ुर्ग भी शामिल हैं, जिसमें हमारे अपने प्यारे हैं जो और नज़र से किसी और एंगल से उन सारी बातों को देखते हैं, उनको भी एजुकेट किया जाए और उनको साथ लेके चला जाए, ताकि बच्चा जो है ना वो ये ना देखे कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस हो रही हैं, कि आपस में ही जंगी माहौल है, उन्होंने हमारी क्या तरबियत करनी है, बल्कि वो ये देखे कि सब लोग मिलकर एक ऐसा हेल्दी एनवायरनमेंट बना रहे हैं जिससे सबकी ग्रोथ हो रही है। तो यहाँ पे ये बात मैं ख़त्म करूँगी और अब आपके जो क्वेश्चंस हैं वो लूँगी। जजाकल्लाह खैर डॉक्टर कवल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स आपने दी, इंशाल्लाह ये सब के लिए बहुत यूज़फुल होंगी। तो कुछ सिस्टर्स ने सवाल किए हैं, मैं उनसे स्टार्ट करती हूँ, बाकी हैंड रेस करें इंशाल्लाह फिर आपसे लेते हैं। यहाँ एक मदर का सवाल है कि वो वालिदैन जो है वो 5 वक्त नमाज अदा करते हैं, लेकिन उनकी बेटी 9 साल की है, वो एक कभी पढ़ ली नमाज, कभी दो, कभी तीन, इस तरह से पढ़ती हैं। तो उनकी मदर बहुत गुस्सा होती हैं कि ऐसा क्यों है जबकि वालिदैन तो नमाज पढ़ते हैं, तो वो क्यों नहीं पढ़ती? तो और वो क्या तरीका अख्तियार करें कि बच्ची नमाज पढ़ने लग जाए प्रॉपर वे में? ये बहुत ही कॉमन सिनेरियो है और कॉमन मसला है और घर घर का मसला है। पहली बात तो ये होती है कि जब हम बच्चे को नमाज पढ़ाना शुरू करवाते हैं ना, तो ये अल्लाह की मोहब्बत में होना चाहिए। अगर हम सीरत में देखें, मुताला करें, तो जो भी सहाबा साहबियात मुसलमान होते थे, तो वो पहला काम ये होता था कि वो नमाज़ पढ़ते थे। अभी भी हम रिवर्ट्स के वाक़यात पढ़ते हैं, तो वो पहली उनके अंदर जो फीलिंग आती है वो नमाज़ की आती है। तो नमाज़ अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत जो है ना वो शो करती है। तो अल्लाह से मोहब्बत कैसे होगी? अल्लाह से मोहब्बत इस तरह तो नहीं होगी कि आपने रिचुअल सिखा दिया लेकिन उसकी रूह नहीं दी। तो उसके लिए आपको बच्चों को कुरान से अटैच करना पड़ेगा, कि जब वो बच्चे कुरान स्टूडेंट्स होंगे फॉर लाइफ, तो कुरान पढ़ते रहेंगे, अल्लाह ताला के बारे में जानते रहेंगे, अल्लाह ताला रब है, अल्लाह ताला इलाह है, अल्लाह ताला के अस्माउ सिफात उनसे इंट्रोड्यूस करते रहेंगे। तो फिर क्या होगा कि बच्चे अपनी नमाज़ों पे भी फोकस करेंगे। समझिए, नमाज को देखकर आपने समझ लेना है कि बच्चे का कनेक्शन अल्लाह ताला से कमज़ोर है या स्ट्रांग है। और अगर आपको कमज़ोर नज़र आ रहा है, तो अपना रिलेशनशिप भी ठीक करें और उसके साथ साथ बच्चों को ये कहे बगैर कि तुम्हारी नमाज़ें दुरुस्त नहीं हैं, चलो मैं तुम्हें कुरान क्लास में लेके जाऊं, उनको जो है वैसे कहें कि बेटा, बीइंग मुस्लिम, हमें ना कुरान के साथ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रांग रखना होता है, और हमें ज़रूर जानना चाहिए कि हमारा दीन हमें क्या बताता है, अल्लाह ताला ने इस कलाम में हमें क्या बताया। अपने आप को एजुकेट करें। फिर इसमें अगला सवाल आ जाता है कि व्हाट इफ़ आई एम लिविंग समवेयर जहाँ बच्चों की कोई कुरान क्लास ऐसी नहीं है? नो प्रॉब्लम, आप अपने घर में शुरू कर सकते हैं। सिर्फ रनिंग ट्रांसलेशन के साथ आप पढ़ सकते हैं और साथ साथ बच्चों के साथ थोड़ी सी डिस्कशन कर सकते हैं और आप खुद कुरान स्टूडेंट बन जाएं। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए डिफ़िकल्ट है, तो आप ऑनलाइन जाकर किसी भी अच्छे ऑथेंटिक स्कॉलर की कोई छोटी सी टॉक सुन सकते हैं बच्चों के साथ बैठ के, और उस पर कोई हेल्दी डिस्कशन जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह के काम करने से क्या होता है कि बच्चों को फिर वो समझ आती है, वो थोड़े डीप रूटेड होते हैं। लेकिन ये कि जितने छोटे होते हैं ना, तो स्पेशली मैंने देखा है ये 9-10 साल की उम्र से लेकर 14-15, कई दफ़ा 18 साल की उम्र तक बच्चे थोड़े से शेकी रहते हैं। तो कोई बात नहीं, आप ये समझें कि ये टाइम ही ऐसा है जिसमें उनका थोड़ा बहुत आगे पीछे होंगे, तो कहते रहें लेकिन एक अच्छे प्लेजेंट तरीके से उनको एहसास दिलाते रहें और अपनी रोल मॉडलिंग स्ट्रॉन्ग करें, तो बच्चे आ जाते हैं। और उनके लिए दुआ बहुत ज़्यादा करें, ताकि अल्लाह ताला जो है ना आपके लिए आसानियाँ करें। आपने जैसे बोला कि रोल मॉडलिंग स्ट्रॉन्ग करें, तो मेरे माइंड में एक चीज़ आ रही थी कि हम कोई भी काम क्यों करते हैं जब उसकी इम्पोर्टेंस हमारे दिल में ज़्यादा होती है। बिल्कुल तो ऐसे ही जैसे आपने ने अच्छा गाइड किया कि अगर वो बच्चों के दिल में कह कह के आहिस्ता आहिस्ता इम्पोर्टेंस फील करा देंगी और रोल मॉडल के तौर पर वो शो करेंगी कि जब नमाज का टाइम है नहीं नहीं छोड़ी जा सकती नमाज, तो वो हर दफ़ा जब अपने माँ बाप को ऐसे देखेंगे तो डेफिनेटली इंशाल्लाह विद दुआज अल्लाह की हेल्प के साथ ज़रूर चेंज आता है। अस्सलाम वालेकुम, पहले तो मैं ये बहुत अलग ही शुक्रगुजार हूँ कि मुझे कमल बाजी के साथ बात करने का मौका मिला है, क्योंकि छोटे होते से मैं तकरीबन 8 साल की थी तब से मैं देख रही हूँ कि ये पहले पैगाम टीवी पे शो लेती थी, डॉक्टर फरहत हाशमी के साथ कुरान पाक भी पढ़ती थी, मतलब काफ़ी सारे इस तरह देखती थी, तो मैंने उनको देख के काफ़ी सारी चीज़ें फॉलो की। फिर मेरी ये ख्वाहिश रही कि कभी मेरी बात हो सके, आज मैं इस खुशी का इजहार नहीं करवा रही कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। फिर जो मेरे पास मोबाइल की रसाई अब आके आई है, फिर अब आके मैंने
इनको यूट्यूब से सुनना वगैरह। लेकिन आज मैं इस जिंदगी के दहाने पे खड़ी हूँ कि जिस जिन बच्चों की माएँ फौत हो जाती हैं उन्हें जिंदगी में कैसे गुजारना चाहिए। अब शादी हुई है, शादी में भी मैंने सिर्फ कुरान के मुताबिक अपने आप को ढालने की कोशिश की है और उस बंदे ने मुझे 2 साल गुजार के डिवोर्स दे दिया। आज मेरा यूं लग रहा है जैसे मैं बिल्कुल ना जिंदगी में खत्म कर लूं। घर में माली हालात भी बहुत तंग है, तो ऐसा क्या करूं जिससे मेरे पेरेंट्स भी खुश हो जाएं और अल्लाह भी खुश हो जाए। बचपन से लेके अब तक मैं थक गई हूँ, मुझे नहीं समझ आ रही मैं दीन के लिए आगे क्या करूं। डरती हूँ पता नहीं अल्लाह जी मुझसे ऐसा ऐसी आजमाइश ना देना कि जिसमें मैं पास ना हो सकूं, ना मैं आगे बढ़ सकती हूँ ना मैं पीछे जा सकती हूँ। मुझे बता दें आप लोग अल्लाह की बंदी हैं, मैं क्या करूँ। आपके लिए अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए। मैं यही कह सकती हूँ कि बहुत सी दुआएं हैं, इतने सारे लोग आपको सुन रहे हैं और आपके दर्द को हम सब महसूस कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि अल्लाह ताला किसी पर भी उसकी ज़ात से ज़्यादा जितना वो सह नहीं सकता बोझ नहीं डालते हैं। इंशाल्लाह आप सब्र कर रही हैं और आप शुक्र के साथ हैं तो अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन अजर अता फरमाएंगे। दूसरा ये कि वालदैन के लिए तो आप सदका जारिया बने ना। जो अभी नमाज की बात हुई, जैसे आप नमाज पढ़ती हैं 5 वक्त, उसी में भी हम दुआ मांगते हैं, रब्बना अग़फिरली वले वालिदैया वलिल मोमिनीना यौमा यकूमुल हिसाब। तो हम अपने लिए भी दुआ मांग रहे हैं, अपनी मगफरत के लिए, अपने वालदैन की मगफरत के लिए। इस तरह जितने आप नेकी के काम करेंगी तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके वालदैन को भी तोहफे आपकी तरफ से भेजता रहेगा। और दूसरा ये कि अगर एक रास्ता बंद होता है ना, एक जगह से मुश्किल आती है, तो बहुत से और रास्तों से आसानियाँ भी आती हैं। तो आप उन आसानियों की तरफ देखें, ये नहीं हो सकता कि सारे रास्ते बंद हो जाएं। अल्लाह ताला ने ज़रूर ऐसे रास्ते रखे होते हैं, सिर्फ ये कि अपने आप को सेटल करके, अपने चैलेंजेस को अंडरस्टैंड करके, जब आप फैसले करेंगी और कुरान से अपने ताल्लुक को मजबूत बनाएं, क्योंकि असल जो सहारा होता है ना, वो अल्लाह का होता है। तो याद करें कि वो वाक़या जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ जब वो हिजरत के लिए जा रहे थे, तो ग़ार सौर में थे, तो क्या कहा था जब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ज़रा परेशान थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना, ला तहसन इन्नल्लाह मअना, कि गम ना करो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। तो अल्लाह ही हमारे साथ होता है कोई भी मुश्किल होती है, और अल्लाह ताला ही हमारी मदद फरमाता है। बस हमें क्या करना है कि अपने आप को उस मामले में थोड़ा मजबूत करना है। जी, सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत टाइम से उसके सेशन अटेंड कर रही हूँ और मेरे लिए स्टेप बाय स्टेप बच्चों की एज के हवाले से बहुत हेल्पफुल रहे। अब बच्चे जैसे अल्हम्दुलिल्लाह टीन एज में हैं और आज का टॉपिक भी सोसाइटी प्रेशर के हवाले से, तो सवाल जस्ट इतना कि अगर हम बच्चों को सोसाइटी प्रेशर खुद नहीं दे रहे, तो जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बाहर से उनके ऊपर अगर सोसाइटी प्रेशर आता है, तो उस सिचुएशन में हम बच्चों को कैसे डील करें कि उनके अंदर कंपेरिजन या एहसास कमतरी डिवेलप ना हो। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। प्रेशर एक तो होता है कि घर से बिल्ट हो और ऊपर से बाहर से जो हो रहा है उसका क्या करें। जितना आप घर के अंदर होने वाले प्रेशर को मिनिमाइज करेंगे, उतना ज़्यादा वो फिर बाहर के प्रेशर से भी डील करना सीखेंगे। दूसरा ये कि जब भी आपके सामने बच्चा कोई भी प्रेशर लेकर आता है, तो उसको इस तरह से श्रग ऑफ ना किया करें कि छोड़ो छोड़ो, इस चीज़ के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत से लोगों का रवैया होता है, बस अल्लाह पे छोड़ दो। क्या मतलब है? अल्लाह ताला ने भी कहा है ना, एकलहा व तवक्कुल, पहले को इसबाब को इख्तियार करें, फिर अल्लाह पे भरोसा करना होता है। तो बच्चा आपके पास कोई भी प्रेशर लेकर आता है, तो उसे बड़े लॉजिकल से सवाल पूछें। मसलन वो कहता है कि मैं बच्ची आती है, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, तो उसे बातों बातों में पूछें कि अच्छा आपको किस तरह से महसूस हुआ कि आप खूबसूरत नहीं हैं, और खूबसूरती का क्या क्राइटेरियन है, और ये क्राइटेरियन किसने डिफ़ाइन किया है, और हमारे दीन में, और इवन अगर आप कोई माहिर नफ्सियात से पूछें या हेल्थ एक्सपर्ट से पूछें, वो ब्यूटी का क्या क्राइटेरियन बताते हैं। तो इस तरह से जब आप उनके साथ हेल्दी तरीके से कन्वर्सेशन करते हैं, तो उनको ये बात समझ आनी शुरू हो जाती है कि स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। या बच्चे जैसे मटीरियलिज्म के बारे में बात करते हैं, फलां का घर इतना अच्छा और फलां की चीज़ इतनी अच्छी, तो आप कह सकते हैं कि बेटा अगर आपको ये सब चीज़ें चाहिए तो आप अल्लाह ताला से दुआ करो, हलाल रिस्क मांगो और सदका खैरात दो, अल्लाह आपको भी दे। यानी उनको बताएं कि रिस्क जो होता है ना, वो लेना या कोई रिसोर्सेज अच्छे रखना, वो कोई गलत बात तो नहीं है। हाँ, उनका इस्तेमाल कैसे है, अगर आपके कोई दोस्त, आपके कोई फैमिली मेम्बर्स उसको सही इस्तेमाल करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर वो नहीं इस्तेमाल करते तो उसके बारे में हमें मोहतात होना चाहिए। तो मकसद ये है कि जब भी बच्चे कोई बात करते हैं, हम उनको हर सिचुएशन में क्लैरिटी देते जाएँ।
जरूरी नहीं है कि हर चीज़ का सलूशन आपके पास फौरन होगा या आप जो सलूशन उनको देंगे बच्चे फौरन समझ पाएंगे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उनको लगेगा कि वी गॉट ऑल द आंसर्स, और जैसे जैसे फिर वो ज़रा मेच्योर होंगे तो वो जो सवालात उन्होंने पूछे या डिस्कशंस आपके साथ की, उन बातों का इंशाल्लाह उनको फ़ायदा होगा। मैंने ये पूछना था, जैसे मेरी शादी ना, तो यहाँ पे इंसल्टिंग बिहेवियर बहुत है। मुझे कुछ चीज़ें ये थी कि मेरी मदर की थोड़ा बचपन में डेथ हो गई थी, तो मुझे काम का थोड़ा इश्यू था कि मुझे नहीं इतना सफाई से करना आता था ना। मैं सीखने की प्रोसीजर में थी, ये नहीं कहता कि मैं सीखना नहीं चाहती थी, लेकिन यहाँ पे इंसल्टिंग बिहेवियर बहुत है। मेरी नंद जिसकी शादी नहीं हुई और होने भी होगी भी नहीं, क्योंकि वो हार्ट पेशेंट है, तो वो गुस्से की भी थोड़ी तेज है, वैसे अच्छी है, लेकिन ना वो गाली बहुत निकालती हैं, और उनका जो मतलब ट्यून है ना बात करने की, वो बहुत ज्यादा इंसल्टिंग हो जाती है। तो शुरू में तो मैं इतना नहीं फील करती थी, मैंने कहा चलो इनकी ट्यून है, शायद बीमार रहती है ना तो ऐसी है, लेकिन उसकी वजह से ना मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हो गए हैं, तो उन बच्चों की ट्यून भी मेरे साथ वैसे ही होनी शुरू हो गई है। तो इसकी वजह से ना खुद मुझे भी फिर गुस्सा आता है, और मैं बच्चों को जवाब देती हूँ, कभी कभी उनसे भी मेरी मतलब तलख कलामी हो जाती है ना, तो मुझे ये चीज अच्छी भी नहीं लगती। मैं चाहती भी नहीं हूँ कि मैं उनके साथ ना कुछ बुरा बोलूँ, कि वो ठीक नहीं रहती, लेकिन बच्चे इस वजह से ना रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे ना, तो मुझे ये चीज बहुत फील हो रही है कि मैं उनकी मदर हूँ ना, तो उनको मुझे मुझे रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो जिस तरह वो जिस ट्यून में बात करती हैं, वो बच्चे सेम ट्यून में बात करते हैं। हाँ जी, ये वाली जो सिचुएशन आपने बताई है ना कि घर में अगर सब लोगों के ज़रा इंसल्टिंग रवैये हैं और माँ जो है फिर उसको बच्चे भी इंसल्टिंग रवैये देना शुरू कर देते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन होता चला जा रहा है। इसमें जैसे कई दफ़ा ससुराल वाले शामिल होते हैं, कई दफ़ा हस्बैंड वाइफ के कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें माँ के साथ ही होते हैं। पहली बात ये कि एक फार्मूला मैं हमेशा सबको देती हूँ कि अगर कोई आपको बुरा भला कहता है तो प्रूव देम रॉन्ग। हम क्या करते हैं, हम उसी बात पे कहते हैं हाँ आप ठीक कह रही हैं, मुझे तो सफाई नहीं करनी आती। शुरू में हम आराम आराम से कहते हैं, फिर हम इस बात को बिलीव करना शुरू कर देते हैं और उसकी वजह से हमारी कारकर्दगी खुद ही ख़राब होनी शुरू हो जाती है। जब कारकर्दगी ख़राब होती है तो वो बच्चे भी या और घर के जो बाकी मेंबर्स हैं वो भी देखना शुरू कर देते हैं। जितनी आपकी बॉडी लैंग्वेज इनसिक्योर होती जाएगी उतना ज़्यादा आपके ऊपर सबका प्रेशर जो है वो बढ़ता जाएगा। तो आपने अपनी तरफ से सही स्टैंडर्ड के मुताबिक जो भी काम करना है करना है। दूसरा ये कि अगर कोई कमी आप में है, आपको फील होता है, ये नहीं कि दूसरे जो आपको बता रहे हैं, दूसरों के लेंस से नहीं अपनी कमी देखनी, खुद देखना है, सही स्टैंडर्ड से देखना है। अगर आपको लगता है कि आपको कोई काम नहीं सही करना आता तो फिर आप क्या करें, आप वो सीख लें। तीसरा ये कि आपको कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करना आना चाहिए, यानी कोई अगर आपसे इंसल्टिंग तरीके से बात करता है तो आप उसे बहुत आराम से बता सकते हैं कि आपको अगर कोई मसला हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप मुझे ये बात इस तरह से बता दें। लेकिन अगेन डिपेंड करता है, जैसे अगर आपकी सास होंगी तो आप उनको नहीं कह पाएंगी, अगर आपके शौहर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टाइप के होंगे तो शायद आप उनको नहीं कह पाएंगी। और दूसरा ये कि अपने बच्चों के सामने अपनी सेल्फ वर्थ को हाई रखना और उनके सामने बेचारगी की तस्वीर ना नजर आना, यानी कौन सा ऐसा इंसान है जिसकी सफरिंग नहीं होती। लेकिन ये कि जब हम बच्चों के सामने बेचारे मजलूम बन बन के फिरते रहते हैं तो उससे कई दफ़ा बच्चे समझते हैं कि अच्छा अभी ये माँ तो इस काबिल नहीं है। तो यू शुड लुक लाइक के आप अपने आप को डेवलप करती हैं, ग्रोथ है आपकी, आप पढ़ाई लिखाई भी करती हैं, आप दीन भी समझती हैं, आप स्किलफुल भी हैं। बाकी लोग अगर नहीं देखते ना, जो लोग जिन्होंने नहीं देखना वो नहीं देखते तो वो ना देखें, लेकिन आपके बच्चे ज़रूर आइडेंटिफाई कर सकें कि जो हमारी माँ है ना वो उसके अंदर बहुत क्वालिटीज़ हैं। क्योंकि मैं बहुत सी जगहों पे यही देखती हूँ कि जब माँ के साथ इंसल्टिंग रवैया होता है तो फिर जो बच्चे होते हैं ना वो भी उसी नज़र से देखना शुरू कर देते हैं, और अगर उनको फिर वहाँ पे एविडेंस भी मिल जाता है कि हाँ वाकई माँ तो या रोती रहती है या बात ही नहीं कर सकती या डरती है या घबराती है, तो वो भी फिर वही लैंग्वेज कैरी करते हैं। तो इस तरह से आप देख सकती हैं। और अगर बहुत हालात ख़राब हों तो मैं तो पर्सनली समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी इसलिए नहीं दी है कि आप अब्यूसिव रिलेशनशिप को कैरी करें। आपको ज़रूर कुछ हेल्दी माइंडेड लोग फैमिली के हो सकते हैं, जानने वाले हो सकते हैं, जिनको इंगेज करना चाहिए ताकि वो अब्यूसिव रवैया ठीक हो, क्योंकि वो ना आपके लिए अच्छा है ना आपके बच्चों के लिए अच्छा है। बाजी, मैं ये पूछना चाह रही थी, मेरी 9 साल की बेटी है, वो बिल्कुल किसी के पास नहीं जाती। जैसे मैं स्कूल में जॉब करती हूँ तो वहां बच्चे अगर इसके साथ सलाम दुआ करें तो चिढ़ना शुरू कर देती है, रोना शुरू कर देती है, कोई ठीक
टीचर से सलाम करे, कोई बात करे, बिल्कुल मतलब किसी के पास भी नहीं जाती, ना किसी की बात सुनती है, बस रोती रहती है। मुझे समझ नहीं आती कि वो ऐसा क्यों करती है। नॉर्मल घर में वो ठीक रहती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाती है, आस पास के लोगों से मिलती है, तो किसी के साथ मतलब वो बातचीत, या कोई बच्चा थोड़ा स्माइल कर देता है या सर हिला देता है, वो बिल्कुल नहीं करती। मुझे समझ नहीं आती कि वो ऐसा क्यों करती है। कितनी एज है? 8 साल की। 1+ ईयर का बच्चा और कैसा बिहेवियर देता है? आपको क्यों नहीं समझ आ रही? इस एज में बच्चों में सोशल एंजाइटी होती है। जब वो घर में होते हैं तो वो अफराद होते हैं घर में जिनके साथ वो मानूस होते हैं, जिनके साथ वो मानूस होते हैं तो वो वहाँ पर बड़े कंफर्टेबल रहते हैं। लेकिन जब आप इस बच्चे को घर से बाहर ले जाएंगे और माँ से अलग करेंगे तो उनको सेपरेशन एंजाइटी शुरू हो जाएगी और वो उसकी वजह से फिर और ज़्यादा आपके साथ चिपकेगा। इवन घर में भी अगर आपका कोई मेहमान आएगा, कोई स्ट्रेंजर आएगा, उस बच्चे को पकड़ने की कोशिश करेगा तो बच्चा बहुत घबराएगा। मैं एज अ डॉक्टर जब छोटी उम्र के बच्चों को चेक करती हूँ तो मैं कभी भी किसी नर्स को या कोई और शख्स जो स्ट्रेंजर होता है उसको उठाने नहीं देती बच्चों को। मैं हमेशा माँ को कहती हूँ कि आप बच्चे को अपनी गोद में रखें क्योंकि माँ की गोद में बच्चा सिक्योर होता है और फिर उसको वहाँ से मैं जो है चेकअप करती हूँ। तो आप अगर वहाँ पे टीच कर रही हैं और आप वहाँ पे अगर बच्चे को हर दिन जाकर अपने आप से अलग करती हैं तो वो बच्चे के लिए बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है। मैं पर्सनली ये बिलीव करती हूँ अगर माँ को इतना छोटा बच्चा है और उसको कहीं पढ़ाना पड़ता है या कोई काम करना पड़ता है तो वो घर में कुछ सिक्योर लोगों के साथ अपने बच्चे को छोड़ के जाए रादर के वो इनसिक्योर इन्वायरमेंट में जाए। या ये कि अगर लेट से आप कहीं पढ़ाना चाहती हैं वहाँ कोई चाइल्ड केयर या ऐसी फैसिलिटी है तो पहले कम से कम 1-2 हफ्ते लगाकर सिर्फ आप वहाँ बच्चे के साथ चाइल्ड केयर में बैठें, ज़्यादा टाइम बच्चे को वहाँ पे उससे मानूस करें, पूरे स्टाफ से उनके साथ सेटल करें और फिर आप अपनी क्लासरूम एनवायरनमेंट में जाएं। तो जब आपको बच्चे का कोई बिहेवियर नहीं समझ आता तो आप लोग सिर्फ इतना काम तो कर सकते हैं गूगल करके पढ़ें कि जी 1 ईयर 2 ईयर जो भी एज है उस उम्र के बच्चे का एक नॉर्मल एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या होता है तो आपको फ़ौरन समझ आ जाएगी। डॉक्टर साहब, मैंने पूछना ये था, मेरा बेटा है 6 साल का, बड़ा वाला अब नॉर्मल है, उससे बड़े वाला और उससे छोटा 6 साल का है, एक्टिव बहुत है माशाल्लाह, शार्प है, लेकिन अगर कभी किसी बात पे कोशिश करती हूँ कि मैं ना मारूँ, लेकिन जब मैं थोड़ा परेशान हूँ या कोई भी ऐसी चीज अगर मैं उसे थप्पड़ लगा दूँ तो वो अपने मुंह पे थप्पड़ खुद मारता है, और अगर जैसे अगर मैं खुद मारेगा मेरे बात और मुंह में बड़बड़ाता भी है कुछ, और अगर कभी मैंने नहीं मारा, उसने कुछ गलती की है तो वो कहेगा कि मारे मुझे, मारे मारे मुझे, मुझे अच्छे लगता है मुझे मारे आप। तो मुझे उसके इस बिहेवियर की समझ नहीं आती कि मैं बहुत ज्यादा भी नहीं मारती और रोज भी नहीं मारती, लेकिन अगर कभी मार दूं तो बाद में वो ऐसे करता है। तो मेरी रहनुमाई फरमाई प्लीज। अगर आप मुझे ऑनेस्टली पूछेंगी ना तो मैं समझती हूँ कि इससे ज़्यादा बड़ा जुल्म नहीं हो सकता कि बच्चे को मारा जाए। इससे बड़ी बच्चे के हिसाब से क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है। यानी पेरेंट्स किसी बात पे भी ये जस्टिफाई नहीं कर सकते कि मैंने एक दफ़ा मारा, मैंने कभी कभार मारा। आपके बच्चे का बिहेवियर बता रहा है कि आप उसके साथ कितना बड़ा जुल्म कर रही हैं और उसने उसको इस हद तक एक्सेप्ट कर लिया हुआ है कि वो खुद से मारने के लिए अपने आप को खड़ा कर लेता है। यानी इतनी उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट इस वक्त ख़राब हो चुकी हुई है कि वो खुद आपको कहते हैं कि अपना हाथ उठाएं। इसका मतलब ये कि जब आप स्ट्रेस में होती हैं तो आपको अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है, उन वजूहात को देखना है। यानी गुस्सा करना या थप्पड़ मारना यही बताता है कि आपको वो मसला हल नहीं करना आ रहा। और जब आपको हल नहीं करना आ रहा और आप कंट्रोल पे जाना चाह रहे हैं तो उस कंट्रोल पे जाने के लिए आप ये रवैया देते हैं। जो मैंने कहा था ना कि क्या हुआ, बच्चा बैठा हुआ है आपसे नहीं मैनेज हो रहा, आप थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त करते हैं, अब कोई ना कोई और फैमिली मेम्बर कहता है कि ये करो वो करो, आपको कोई ना कोई डिक्टेशन मिलती है, अब आपसे मैनेज नहीं हो रहा तो आप क्या करते हैं, आपको उस वक्त इतना गुस्सा आता है आप जाकर बच्चे को लगा देते हैं। सो ये सही रवैया नहीं है। असल अच्छा रवैया ये होता है कि हम अपनी मैनेजमेंट को बेहतर बनाएं और बच्चे के साथ रिलेशनशिप को बेहतर बनाएं, और जैसे ही हम वो रिलेशनशिप ठीक करते हैं बच्चे बहुत सारी बातें समझ जाते हैं। बच्चों को ये भी पता चल जाता है कि आपके ऊपर प्रेशर्स क्या क्या हैं और वो आपके साथ कॉपरेट भी करते हैं। मेरी बेटी ना 5 साल की, अभी वो स्कूल जाने लगी है, तो वो उसके ना स्कूल में जैसे कि होती है क्लास, तो उसमें वो शॉर्ट्स पहन रही होती है, तो कुछ जो है मुस्लिम स्टूडेंट्स वो पहनते हैं टाइट्स वगैरह भी ना, लेकिन इसको मैं कहती हूँ तो कहती है कि नहीं वो ना क्रिश्चियन भी पहनते हैं मुस्लिम भी पहनते हैं, तो कोई ऐसा मसला नहीं है, मैं भी पहनूंगी।
या अगर बर्थडे का होता है ना तो मैं इसकी नहीं करती, तो मैं इसको कहती हूँ कि मैं तुम्हें ऑल्टरनेट देती हूँ ना, दो ईदे हैं तो हम दो वो पुली जैसे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं ना, तो वैसे मैं उसकी करती हूँ। लेकिन वो कहती है जब किसी और फ्रेंड की अगर कोई बर्थडे है तो वो दे के आती, तो वो इतना उसको होता है ना कि मेरी ऐसी क्यों नहीं है, तो वो फिर इन चीजों की मुझे समझ नहीं आती है कि मैं अब कैसे उसको करूँ ना। जब मैं कहती हूँ तो वो कहती है क्या वो मुस्लिम नहीं है, वो क्यों बर्थडे कर रही है, तो वहां पे आके मैं बिल्कुल चुप हो जाती हूँ, मुझे समझ नहीं आती है। जब हमारे बच्चे कोई ना कोई इवेंट्स फंक्शंस वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो उसका बहुत आसान तरीका होता है ना कि हम उनको बस ये बता देते हैं कि हम दीनदार हैं, हम ये नहीं करते। और वही बात जैसे आपने कही कि वहाँ पे बहुत से दीनदार फैमिलीज़ के बच्चे को कर रहे होते हैं, इसकी बजाय हम उनको ना उसकी बेस बताते हैं, हम उन्हें भी बताते हैं कि जी वाई डू वी नॉट सेलिब्रेट इट, और उनको फिर एक लॉन्ग टर्म विजन डेवलप करवाते हैं कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट बर्थडे कि जी बर्थडे आपने मना ली या ना मनाई। असल बात ये होती है कि जब आप इस किस्म के रिचुअल्स में पड़ जाते हैं तो जो आपके असल करने वाले काम होते हैं वो बहुत पीछे रहना शुरू हो जाते हैं। दूसरा ये कि ये भी अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि बच्चों को बर्थडे क्यों पसंद होती है। बच्चों को सिर्फ इस वजह से पसंद है उसमें दे फील इम्पॉर्टेंट, दे फील कि उनको गिफ्ट्स मिल रहे हैं, उनको मज़ा आ रहा है, तो आप उनको वैसे इम्पॉर्टेंट फील करवाएं और आप उनको वैसे कोई अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लेकर दिया करें, तो उससे फिर क्या होता है कि बच्चे आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों से दूर होना शुरू हो जाते हैं। और अगर बच्चा है वो आपसे कोई बात करता है लिबास के बारे में ऐसे, तो उसमें भी यही याद रखें कि बच्चों को बताएं कि कैसा लिबास जो है वो पसंद किया गया, यानी स्टैंडर्ड उनको हमेशा सही देना चाहिए। प्रैक्टिसेस बच्चों की कई दफ़ा आगे पीछे हो सकती हैं, जब आप स्टैंडर्ड सही देते हैं तो फिर साथ साथ दुआ करते हैं तो अल्लाह से उम्मीद है अच्छी कि वो आपके मसले मसाइल जो हल हो जाएंगे, क्योंकि ये तो इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है, हर तरफ चैलेंज है कि बच्चे जो हैं और ख़ास तौर पे लड़कियां वो जब देखती हैं कि जी जो लोग इतना फैशन कर रहे हैं और वो जी बड़ा ग्लैमर है और बहुत उनको मज़ा आ रहा है तो वो फिर वैसे ही ड्रेसअप होना चाहती हैं, वैसे ही कपड़े पहनना चाहती हैं, और जो जो प्रैक्टिसिंग पेरेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत ही पेनफुल बात होती है। तो आप यही कर सकते हैं ना, एक हद तक उनको समझा सकते हैं, उसके बाद आप अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, लेकिन जो समझाने का तरीका है ना वो फ्रस्ट्रेटिंग नहीं होना चाहिए, हर दफ़ा एक ही टोन में एक ही तरीके से उनसे बात करनी होती है। इससे मुझे एक चीज़ याद आ रही है कि अभी रिसेंटली मेरी क्लास में ना एक बच्ची है, छोटी सी है, द होल क्लास इज नॉट लाइक दिस, हर एक कोई मर्जी से हिजाब पहनता है, तो शी वॉज वेयरिंग हिजाब, तो बहुत प्यारी लगती थी, तो मैंने उसको प्रेज भी किया, बट 2-3 दिन के बाद उसने स्टॉप कर दिया पहनना। देन आई आस्क्ड हर कि आपका हिजाब कहाँ है, क्यों नहीं पहन के आ रही हो, तो उसने बोला मेरे पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम अभी बहुत छोटी हो, एंड शी इज जस्ट आई थिंक 10-11 ईयर्स ओल्ड, बट स्टिल अगर बच्चों में ऐसा इंटरेस्ट होता है शुरू से खुद से, तो मैं देखती हूँ कि बाज पेरेंट्स ऐसे भी करते हैं, यानी रोकने लगते हैं, तो आई थिंक अगर आप में से कोई ऐसी माँ है तो प्लीज ऐसा ना करें। मेरी शादी को 1.5 साल हो चुके हैं अलहमदुल्ला से, मेरी एक बेटी भी, हमें अगेन भी अलहमदुल्ला से प्रेगनेंसी है 6 मंथ की। मुझे एक्चुअली अपने हस्बैंड का बिहेवियर समझ नहीं आता, मतलब कि वो है मेरे से बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, अलहमदुल्ला से बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती, एक तो उनका नमाज और कुरान में जो है वो बिल्कुल भी दिल नहीं लगता नमाज में, वो खुद को बदलना भी चाहते हैं, वो कहते हैं मुझे तुम कहा करो नमाज के बारे में, कहा करो मुझे तुम अच्छी बातें सिखाया करो, लेकिन ना उनकी बिहेवियर इस तरह मुझे समझ नहीं आता ना कि वो हर 1 महीने के बाद ना वो ड्रिंक करते थे ना, तो वो छुपके करते थे, लेकिन मुझे ना जिस दिन वो करते थे ना ड्रिंक, तो जब रात में लेट वापस आते थे ना, तो मुझे उनकी उनके पास से ना स्मेल आ रही होती थी, मैं कहती थी आज ना लगता है आपने कोई गलत काम किया है और आपके पास ना स्मेल आ रही है, तो कहते थे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। आहिस्ता आहिस्ता मेरे ना 1.5 साल हो गया, आहिस्ता आहिस्ता अब मैंने ना उनसे पूछना शुरू किया, और उन्होंने मुझे वाकई में बताया कि हाँ मैं 1 महीने के बाद ना ये गलत काम करता हूँ। तो फिर वो स्मोकिंग करते हैं ना, स्मोकिंग जब मेरे साथ होते हैं ना, मतलब कि हम लोग ड्राइविंग पे जा रहे हैं, मतलब कि हम घर पर मुझे छोड़ने जा रहे हैं, कहीं हम शॉपिंग पे जा रहे हैं, तो गाड़ी में ना वो ड्राइविंग करते हुए स्मोकिंग करते हैं, कहते हैं मैं जो भी गलत काम करता हूँ ना, जो भी गलत काम करता हूँ तुम्हारे सामने और तुम्हें बता के करता हूँ कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, मैं कहते हैं मैं आज तक मैंने स्मोकिंग किसी और के सामने नहीं की, सिर्फ तुम्हारे सामने करता हूँ, और ड्रिंक भी जो कर रहा हूँ ना वो तुम्हें बताता हूँ कि हाँ मैंने ये किया है, तो वो खुद को बदलना चाहते हैं, लेकिन वो अच्छा गालियां भी इस तरह निकाल देते हैं, वो ज्यादा जब गुस्से में होते हैं गालियां भी निकाल देते हैं, लेकिन उनके अंदर ये चीज है कि वो खुद को चेंज करना चाहते हैं, तो मैं मुझे समझ नहीं आती मैं उनको कैसे करूँ, मतलब कि अगर नमाज के बारे में कहती हूँ ना तो थोड़ा सा गुस्सा भी हो जाता है, लेकिन उनके अंदर ये एक चीज है
वो उनको बेचैन करती है कि हाँ मुझे खुद को बदलना है, मुझे तुम बदलो। ऐसे होता है कि जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है ना, ये इस्लाही रिलेशनशिप नहीं है। यानी इसमें वो छोटा बच्चा नहीं है जिसकी आपने तरबियत करनी है, वो ग्रोन अप पर्सन है। आप उसकी तरबियत नहीं कर सकते। अगर वो करना चाहे खुद करे, आप मशवरा दे सकते हैं। आपने एक दफ़ा मशवरा दिया, दूसरी दफ़ा दिया, अगर वो इंसान नहीं सुनता और अपनी मिजरी को बढ़ाना चाहता है तो ये उसकी अपनी चॉइस है, आपको उसकी चॉइस पे रखना होता है। मैंने देखा है कि ख्वातीन जो है ना, वो बहुत ज़्यादा ओवरली इंगेज हो जाती हैं कि किसी तरह से मैं अपने हस्बैंड के इस रवैये को ठीक कर लूँ। वो रवैया तो ठीक होता नहीं, बल्कि रिलेशनशिप ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाता है। दूसरी बात ये कि जो आप कर सकती हैं वो ये कि दुआ, बहुत ज़्यादा दुआएं करें उनके लिए। तीसरा ये कि उनकी कंपनी देखें, उनकी कंपनी में ज़रूर ऐसे लोग होंगे जो कि गलत काम करते होंगे जिस वजह से वो ये कर रहे हैं। चौथा ये कि ग्रेजुअली, कहे बगैर, ये नहीं कि अच्छा आप ऐसे लोगों में बैठते हैं चलें हम कुछ और लोगों में बैठें। जैसे आप अपने नेबरहुड में अच्छे लोग ढूंढते हैं, मस्जिद में जाते हैं, वहाँ पे आपको अच्छे लोग मिलते हैं, आप उनसे मिलना शुरू करें। और इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो अपने आप को चेंज करना चाहते हैं तो आप उनको किसी कुरान क्लास से इंट्रोड्यूस करें। जब वो कुरान पढ़ना शुरू करेंगे प्रॉपर तरीके से, जैसे कहीं दरूस में होते हैं इतने ज़्यादा, कुछ स्पीकर होते हैं, ऑनलाइन सुन लें कुछ, किसी भी तरह से वीकली डेली कोई भी टाइम स्लॉट रख के आप दोनों मिल के बैठ के सुन सकते हैं, और उनको खुद अपने लिए कोई असेसमेंट करने दें अपना, जो कुछ भी उनके चैलेंजेस हैं, तो फिर उससे फिर उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है ना आसानी फरमाएंगे।